स्वागत है दोस्तों मेरे YouTube चैनल फ्यूचर टेक में, और आज हम अनबॉक्सिंग करेंगे इन्फिनिक्स स्मार्ट 3 प्लस का। 6,999 रुपये इसकी प्राइस है और बहुत कुछ है इस पैकेज के अंदर। तो करते हैं इसकी सील ब्रेक और देखते हैं इसके मेन फंक्शंस को, क्या इसकी पॉजिटिव हैं और क्या इसके नेगेटिव हैं, सभी को देखते हैं। अगर मेन फंक्शंस की हम कुछ अगर बात करें तो हमें मिल जाता है 15.79 सेंटीमीटर का 6.2 HD प्लस वाटर ड्रॉप डिस्प्ले, AI ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप है, ड्यूअल वोल्टेज मिल जाता है, 8 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा और 3500 mAh की बैटरी, फिंगरप्रिंट और फेस अनलॉक दोनों मिल जाते हैं और मेड इन इंडिया है। रिटेल प्राइस लिखी हुई है 7,999 रुपये, लेकिन ये हमें मिल जाता है 6,999 रुपये में। और निकालते हैं इसको बॉक्स से बाहर, सबसे ऊपर हमें मिलता है हमारा ये मेन यूनिट, जो कि एकदम लाइट वेट लगता है मेरे को, बिल्कुल लाइट वेट है। और नीचे के जो सेक्शन है इसके अंदर हम देखते हैं, इसमें हमें मिलता है ये एक पावर एडेप्टर, जिसकी अगर हम वोल्ट आउटपुट की बात करें तो 5 वोल्ट 1.2 एम्पीयर यानी कि 6 वोल्ट का ये चार्जर है, जो कि बहुत ही स्लो चार्ज करेगा, ये एक अच्छी चीज़ नहीं है। और ये माइक्रो USB 2 USB एक केबल है, और नीचे ये कुछ एक छोटा सा पेपर वर्क वगैरह है। और सबसे नीचे हमें मिलता है इसका एक हार्ड केस, जिसके पीछे की अगर आप डिज़ाइन देखेंगे तो कुछ इंटरेस्टिंग सी डिज़ाइन है, ये अच्छी है एक तो। बस एक तो ये है कि इसका चार्जर है वो थोड़ा सा स्लो है, जो कि अच्छी बात नहीं है। अब देखते हैं इसका रैप उतारते हैं और फ़ोन को करते हैं एक बार बूट और पीछे का उतारते हैं। अगर फ़ोन का ओवरव्यू की अगर हम बात करें तो हमें ऊपर की तरफ मिल जाता है स्पीकर और उसके नीचे 8 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा। फ़ोन की राइट साइड की अगर हम बात करें तो पावर बटन और उसके ऊपर वॉल्यूम रॉकर बटन्स। फ़ोन की बॉटम साइड की अगर हम बात करें तो लेफ्ट साइड में मिलता है 3.5 mm जैक, उसके बगल में मिलता है माइक्रोफोन, सेंटर में मिलती है माइक्रो USB केबल के लिए स्लॉट, और लेफ्ट साइड में मिल जाती है स्पीकर ग्रिल। फ़ोन के लेफ्ट साइड की अगर हम बात करें तो बिल्कुल क्लीन है, एक साइड में हमें मिलता है सिम ट्रे, और सिम ट्रे हम ये अभी चेक करते हैं इसका कि ये कैसा है। ओके, साथ में हमें ये भी मिलता है एक स्क्रीन प्रोटेक्टर फिल्म और सिम इजेक्टर टूल। तो सिम इजेक्टर टूल को हम एक बार निकाल के देखते हैं कि ये हाइब्रिड है या नॉन हाइब्रिड है। बिल्कुल ये एक नॉन हाइब्रिड है, 2 सिम और 1 मेमोरी कार्ड हम इसमें एक साथ लगा सकते हैं, जो कि एक अच्छी बात है। 2 GB की रैम और 32 GB का स्टोरेज इसमें अवेलेबल है, और एकदम लाइट वेट फ़ोन है। तो और पीछे जो है वो है एक प्लास्टिक ग्लास टाइप का, प्लास्टिक है लेकिन इतना अच्छा नहीं है। और सेंटर मिल जाता है हमें ये एक फिंगरप्रिंट सेंसर और नीचे इन्फिनिक्स का ब्रांड, और साइड में मिल जाता है एक वर्टिकल टाइप 3 रियर कैमराज, और नीचे मिल जाती है LED फ्लैश। और फ़ोन हो चुका है हमारा पूरा बूट, हम स्क्रीन सेट पूरा करते हैं। सबसे पहले पैटर्न लगाते हैं, ये हमारा पैटर्न रहेगा, और सबसे पहले फेस इनरोल करते हैं हम। ओके, फेस हो गया है इनरोल, और अब करते हैं हम फिंगरप्रिंट। फिंगरप्रिंट भी हो चुकी है हमारी ऐड, और इंडिया बेस्ड ऑन एंड्रॉयड 9, ये XOS चीता OS है इसका, जो कि एक तरीके से स्टॉक एंड्रॉइड की तरह ही लगता है लगभग। डिस्प्ले काफ़ी वाइब्रेंट लग रही है, कलर है वो काफ़ी वाइब्रेंट लग रहे हैं, जो कि एक अच्छी बात है। सबसे पहले हम इसकी सेटिंग में जाएंगे और देखना चाहेंगे हमें एंड्रॉइड 9 के साथ साथ और क्या मिल जाता है।
एंड्रॉयड 9 पाई मिल जाता है और XOS वर्जन 5.0 मिल जाता है। अगर इसकी प्रोसेसर की अगर बात करें तो इसमें है हीलियो A22 क्वाड कोर प्रोसेसर। अगर गेमिंग के लिए ये फ़ोन की अगर इसकी बात करें तो गेमिंग के लिए फ़ोन बिल्कुल अच्छा नहीं है, क्योंकि A22 है वो एक नॉर्मल बेसिक सा प्रोसेसर है जो कि 12 नैनोमीटर पे काम करता है, लेकिन गेमिंग के लिए फ़ोन अच्छा नहीं है, गेमिंग में हीट कर सकता है। और अब एक बार हम इसका सिक्योरिटी टेस्ट ज़रूर चेक कर लेते हैं। सबसे पहले फिंगरप्रिंट चेक करते हैं, मैं ये लगा रहा हूँ, लगाया ओपन हुआ, दोबारा ट्राई करते हैं, लगाया थोड़ा सा स्लो काम कर रहा है, फिर से ट्राई करते हैं, ओके हल्का सा गैप लेता है फिंगरप्रिंट। अब एक बार हम इसका फेस अनलॉक भी चेक करना चाहेंगे, मैं अभी इसकी तरफ नहीं देख रहा हूँ और देखते ही ओपन हो गया, अभी मैं इसकी तरफ नहीं देख रहा हूँ, देखते ही ये ओपन हो रहा है। कंटिन्यूसली मैं अभी इसकी तरफ देख रहा हूँ, लॉक स्क्रीन हल्की सी आती है, तो फेस अनलॉक और फिंगरप्रिंट दोनों ही थोड़े थोड़े स्लो हैं, लेकिन कुल मिला के ठीक है। अब एक बार मैं इसका कवर लगा के और देखता हूँ, कवर लगने के बाद में कुछ ऐसा लगता है फ़ोन। और एक बार हम इसका कैमरा टेस्ट ज़रूर करना चाहेंगे, ये इसका ट्रिपल रियर कैमरा है, ये फ़ोटो हमने क्लिक कर ली और डिटेल्स ठीक ठाक है, मतलब तीन कैमरा जितना कुछ है नहीं, लेकिन दिखने में तीन कैमरे हैं तो चलो ठीक है। एक सेल्फी टेस्ट और करना चाहेंगे, ये बिल्कुल साफ़ नहीं आई है, थोड़ा सा लाइटिंग का इफ़ेक्ट है, लेकिन ठीक है जो भी है। तो ये एक नॉर्मल पैकेज है स्टार्टिंग के लिए, मतलब सही है ये फ़ोन 7000 की प्राइस के अंदर, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। तो यही था पूरा वीडियो, वीडियो देखने के लिए थैंक यू, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना।